हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपना चैलेंजिंग क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको करना क्या होगा, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपका माइंड वहां कहां पर काम कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, हम लोगों को एग्जाम में क्या करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, तो आज हम लोग इसी सवाल को जरा करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार माइंड में आपके क्या चल रहा होगा। एक चीज और है, आप इसकी चीजों को जब हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे होंगे तो उसे आप शॉर्ट आउट जरूर करिएगा। जब तक आप शॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको अपने सिंप्लीफिकेशन को मजबूत करना है। ठीक है, काफी कुछ हद तक इंप्रूवमेंट आएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। आपके सामने यहाँ पे सवाल आएगा और हम लोग उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा सिंपल, लेकिन हाँ, अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाता है, वैसे एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी वगैरह में तो मतलब बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन अगर ये बिल्कुल बेसिक लेवल से सवाल है, ठीक है, अगर ये किसी एग्जाम में सपोज कर लो टीटी वगैरह में या फिर पुलिस के एग्जाम में आ जाता है, तो बाय चांस अगर कोई भी बच्चा इसमें थोड़ी देर के लिए भी अगर लग गया तो समझो वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, अभी हम आपके फेल होने का नहीं बल्कि बच्चों के फेल होने का रीजन निकालते हैं। आपसे सवाल में बोला गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है और जो तीसरी भुजा होती है वो असमान होती है। आपसे बोला गया कि इसका जो परिमाप दिया गया है वो 544 सेंटीमीटर है, और फिर बोला गया तथा प्रत्येक बराबर भुजा, ये जो प्रत्येक बराबर भुजा है वो आधार का 5/6 है। तो हमें क्या करना है, हमें आधार कुछ मान लेना है। हम कोई ऐसी संख्या आधार में माने जो कि 6 से कट जाए, तो हमने मान लिया कि आधार कितना है 6, तो भाई जो ये बराबर भुजाएं हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 5 और 5 हो जाएंगी। क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम 6 का 5/6 निकालेंगे तो फिर कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमने मान लिया कि ये जो असमान भुजा है उसकी लंबाई कितनी, 6 यूनिट है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो लंबाई होगी ये क्या होगी, 5/5 होगी। हम अपनी एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए यहाँ पे हम 6/5/5 ना मान करके हम लोग यहाँ पे 6x, 5x और 5x मान लेते हैं। कितना, 6x, 5x और 5x मान लेते हैं। अब जरा ध्यान समझने की कोशिश करिए, होता क्या है, आपसे आपको परिमाप बोला गया कि 544 सेंटीमीटर है। क्या चीज, परिमाप 544 सेंटीमीटर है। तो यहां पे देखो भाई कितना परिमाप हमारे हिसाब से बन रहा है, 5, 5, 10, 10 और 6, 16x। हमारे हिसाब से परिमाप कितना है, 16x, और क्वेश्चन के हिसाब से परिमाप कितना है, 544। कितना है, 544 है। चलिए जरा भाग करा लेते हैं, 16 से भाग कराओगे, 16 3 48 कितना बचेगा, 6 और 16 4 64, तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 34। कहने का मतलब ये है कि हम यहां से x की वैल्यू शॉर्ट आउट कर चुके हैं। कितनी, x की वैल्यू 34 है, तो अगर x का मान 34 आ गया है तो यहां से हम सभी भुजाएं निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं भाई, आपको 34 का गुणा 6 में कराना है, तो 6 का गुणा कराओगे, 6 चौके 24 के 4, हासिल 2, 6 3 18 और 2 20। मतलब ये कि ये जो असमान भुजा है उसकी लंबाई कितनी है, 204 सेंटीमीटर है। अब बात आती है 5x के लिए, तो यहां पे आपको क्या करना है, 34 का गुणा 5 में कराओगे, 34 का गुणा हम 5 में करा ले या फिर 34 का गुणा 10/2 में करा ले, बात वही है। तो 34 का गुणा 5 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 170। यहां पे भी हम 34 का गुणा 5 में कराएंगे कितना आएगा, 170। मतलब क्या है, जो ये समान भुजा है उसकी लंबाई 170 यूनिट है। कितनी है, 170 सेंटीमीटर है, और जो ये असमान भुजा है उसकी लंबाई कितनी है, 204 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भाई कोई समकोण त्रिभुज वगैरह तो बन नहीं रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती है या फिर सिमिलर भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, 170 170 204 ये किसी भी ट्रिपलेट का फॉर्म नहीं है, तो फिर हम क्या करें, चलो भाई आगे सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब ये है कि ये जो एक त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। हमें क्या निकालना था, हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। आपको हमने बता रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर इसकी समान भुजाएं ए ए हो और असमान भुजा हो क्या, बी,
तो अगर हमें इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो आप लगाते हैं b by 4 root 4a square minus b square, यही फॉर्मूला तो हम लोग लगाते हैं, इसी पे हमें मान रखना है। तो b, b जो है वो असमान भुजा की लंबाई है, तो असमान कितनी थी 204 और बटे में कितना रखोगे 4 रखोगे। फिर हमें स्क्वायर रूट लगाना है 4a square minus b square, तो 4 into a square, तो a की वैल्यू कितनी थी 170, तो 170 का हम स्क्वायर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस, और यहां पे बी के प्लेस पे कितना है भाई 204, तो 204 का भी हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। अब जरा समझिए 170 का तो वर्ग चलो आप कर लेंगे, 4 से यहां काट दोगे भाई कितना आ जाएगा 51 बार आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, रूट लगाओगे 4 गुणे 170 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर भाई 289 होता है, 10 का भाई 00 हो जाएगा, माइनस 204 का स्क्वायर करना है, 204 का स्क्वायर भी हमने जो आपको ट्रिक्स वगैरह बताई उनसे आप सॉर्ट आउट करके यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब क्या है, आपको यहाँ पे 4 से गुणा कराना है, उसके बाद भी यहाँ पे जो वैल्यू है उसको फिर घटाओगे, घटाने के बाद फिर आपको स्क्वायर रूट देखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट देखो उसके बाद फिर 51 से गुणा करना है, फिर यहाँ पे देखो भाई 5-5 अंकों में हमारे आंसर दे रहे, तो फिर यहाँ पे तो भाई करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है बहुत टफ हो जाएगी एग्जाम पर्पस पे। लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, आप घर में इस टाइम बैठे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आगे शॉर्ट आउट करना है, आपको क्या करना है, आपको ये चीज आगे शॉर्ट आउट करनी है, ठीक है, आप शॉर्ट आउट करिए, और इससे ये चीज, इस चीज का दावा है कि आपका सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है वो काफी मजबूत होगा, ठीक है, तो ऐसी चीजें आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया करिए। वैसे मैं हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम आगे नहीं करने जा रहे हैं, हमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था, तो ये तो कॉन्सेप्चुअल भाई बात हो गई है, लेकिन अब हमें अगर बात करनी है ट्रिक के बारे में, अगर हम कुछ अच्छा सोच सके कि इस सवाल को हम कितने अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं तो फिर हम क्या करें, चलिए जरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमें यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये तो नहीं करना है, ये बात है, देखते हैं भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा है क्या, एक बार जरा सवाल को आप फिर से पढ़ लें। सवाल में आपसे बोला गया था कि भाई समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और ये आधार वगैरह दिया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों क्या है बराबर भुजाएं हैं, ये दोनों क्या है बराबर भुजाएं, अगर बराबर भुजाओं के कॉमन वर्टेक्स से, अगर बराबर भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर हम माध्यिका डालें, माध्यिका मतलब दो बराबर बराबर भागों में विभक्त करती है, ठीक है, तो अगर हम किसी शीर्ष से, इस शीर्ष से कौन से जो कि इस बराबर भुजाओं के कॉमन वर्टेक्स उभय इस शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर माध्यिका डाल दें तो वो लंब समद्विभाजक का भी काम करती है, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड का भी काम करती है, किसका एल्टीट्यूड का भी काम करेगी, शीर्ष लंब का काम करेगी। तो फिर अब हम अगर ये देखना चाहें कि भाई ये जो एक त्रिभुज बनेगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, कितना ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, तो अगर हम इस भुजा को 6 यूनिट बोल रहे हैं, अगर ये भुजा 6 यूनिट है तो ये टोटल भुजा कितनी होगी भाई 5 यूनिट होगी, कितनी होगी 5 यूनिट, अगर ये टोटल 6 थी तो ये टोटल कितनी होगी भाई 3 यूनिट होगी, कितनी होगी 3 यूनिट होगी। अच्छा ये 3 है ये 5 है तो जाहिर सी बात है ये कितनी होगी 4 यूनिट होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 3, 4, 5 से एक ट्रिपलेट का निर्माण होता है समकोण त्रिभुज में, किसमें समकोण त्रिभुज में, ठीक है, तो यहां पे देखो 3 ये 4 और ये कितना 5 है, ओके। अब हम एक काम करते हैं, हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए सुनिए जरा ध्यान से। अच्छा आपने ये चीज तो कर ही ली होगी, 6, 5, 10 और 5, 15 6, 5, 11 और 11, 5, 16 तो 16 बराबर किसके 544 के, क्योंकि हमें तो परिमाप के बराबर लेना था ना, तो परिमाप जो होगा वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो 16 बराबर किसके 544 के, तो एक बराबर किसके हमने निकाला था अभी 34 के निकाला, एक बराबर किसके आ गया 34 के। अब जरा ध्यान से सुनिए, एक बराबर 34 के आ गया, हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल का एक और भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 बेस, बेस के प्लेस पे आप कितना रख देंगे भाई 6 और हाइट के प्लेस पे हम कितना रख देंगे 4, तो देखो भाई 6 के प्लेस पे 1 की वैल्यू 34 है, तो 6 की वैल्यू 6 × 34, 1 की वैल्यू कितनी है 34 है, तो 6 की वैल्यू 6 × 34,
और एच के प्लेस पे कितना है चार, तो एक बराबर 34 के, तो चार बराबर चार गुणे 34 कितना 4 गुणे 34 होगा। आपको क्या करना है दो चीजें भाग करा लेते हैं, कितने बार तीन बार, यहाँ पे देखो चार और तीन का गुणा कराएंगे कितना आएगा चार या बारह, यहाँ पे 34 और 34 का गुणा कराना है, तो 34 और 34 का गुणा कराना है मतलब 34 का स्क्वायर करना है, तो जल्दी से 34 का स्क्वायर कर दो, कैसे चार का वर्ग करोगे 16, तीन का वर्ग करोगे 9, चार दिया 12, 12 दूनी 24, रख दो बीच में 6, 4 और 1 5, 9 और 2 11, कितना आ जाएगा 1156, 34 का वर्ग कितना होगा 1156। अगर आपने ये वर्ग ना सीख रखे हो तो नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट पे आपके सामने वहां पे वीडियो आपको मिल जाएगी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालने की, तो वहां से आप ये चीज सीख सकते हो। तो 34 और 34 का हमने गुणा कराया कितना आ गया था भाई 1156 आ गया था। अब हमें क्या करना है भाई 12 का गुणा कराना है, तो करा दो 12 से 72 के 2 हासिल कितना 7, 12 पंचे 60, 60 और 7 कितना 67, 67 में इकाई स्थान में कितना गया 7, हासिल कितना चलाओगे 6। अच्छा देख लो 72 को भी सभी में, ठीक है तो आगे हम करते हैं, हासिल अभी कितना है 6, 12 कम 12, 12 और 6 18 की 8, हासिल 1, 12 कम 12 और 1 13, तो कहने मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 13872, कितना आ रहा है 13872 आ रहा है, जो कि तीसरा ऑप्शन लगा हुआ है, कौन सा ऑप्शन लगा हुआ है तीसरा ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आई होगी कि हमें जब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर हमें करना क्या है, ठीक है हम उस प्रोसेस पे नहीं जाएंगे जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, ठीक है। अगर बच्चा उस प्रोसेस पे चला गया तो समझ जाइए कि उसका खेल खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि वो अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो तकरीबन 7-8 मिनट 10 मिनट तो उसी सवाल में दे देगा, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन तो लेंथी होगी ना, तीन तीन अंकों का वर्ग करना था तो वहां पे सवाल थोड़ा सा टफ बनेगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 1/2 बेस इनटू हाइट मतलब ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया तो ये हाइट का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले हमने क्या किया था भाई, ये 6 ये 5 ये 5, 5 5 10 6 16, हमारे हिसाब से परिमाण कितना 16, क्वेश्चन के हिसाब से 544, 16 बराबर 544 के, 1 बराबर किसके 34 के, तो अगर 1 बराबर 34 के 6 बराबर 6 गुणा 34, 5 बराबर 5 गुणा 34, हमने लिखा क्या क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 बेस, बेस क्या है 6, तो मतलब 6 गुणे 34 और हाइट क्या है 4, तो 4 गुणे 34, 2 से 6 को काट दें 3 बार, 4 और 3 का गुणा कराएंगे 12 बार, 34 और 34 का गुणा कराएंगे कितना मिलेगा 1156, 1156 का हमने 12 में गुणा कराया कितना मिल गया 13872 मिल गया। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, कंफर्म। तो चलिए चैलेंजिंग क्वेश्चन की इसी सीरीज में आप लोगों का सहयोग बनता रहे, हम आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे, और चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे, आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर कर दें, थैंक्स अ लॉट।